बता दें आपको कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र की ओर से 112 कंपनियां दी गई है। चुनाव शांत तरीके से हो और इसके लिए हरियाणा पुलिस के 35,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की 112 कंपनियां, 24,000 से भी ज्यादा होमगार्ड्स के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इंटरस्टेट और इंटरस्टेट सीमाओं पर कुल 300 नाके बनाए गए हैं। आयोग की ओर से प्रदेश में मतदान के लिए 10,343 स्थानों पर कुल 20,006 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 1,362 स्थानों पर 3,033 मतदान केंद्रों को संवेदनशील माना गया है और 51 मतदान केंद्रों को असुरक्षित माना गया है। इन मतदान केंद्रों पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में 418 फ्लाइंग स्क्वाड्स टीम और 415 स्टेटिक सर्विलांस टीम और 34 क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने और आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने को लेकर 1,039 पेट्रोलिंग पार्टीज भी लगाई गई हैं, जो कि दिन रात गश्त कर रही हैं। बता दें कि गुरुवार को डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने दरअसल चंडीगढ़ में रिव्यू मीटिंग की, जिसमें की एडीजीपी संजय कुमार के द्वारा 25 मई को प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी तैयारियां की रिपोर्ट जो है उस पर चर्चा की गई। मीटिंग में डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने सभी पुलिस अफसरों को चुनाव ड्यूटी को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के बारे में ब्रीफिंग करते रहें। उधर पंचकुला में भी जनता टीवी की टीम ने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। संवाददाता उमंग शौरान की ये खास रिपोर्ट आप देखें। पूरे भारत में जहां प्रचंड गर्मी अपना कहर ढा रही है, वहीं इस गर्मी के माहौल को और गर्मा रहा है हरियाणा में चुनाव। पंचकुला में इस वक्त हम खड़े हैं। पंचकुला अंबाला लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा है। इस वक्त हम एक पोलिंग स्टेशन के बाहर है जहां पर 25 मई यानी कल चुनाव होगा। आपको बता दें कि मतदान होगा, मतदान की प्रक्रिया सुबह शुरू हो जाएगी। उससे पहले सुबह 5:30 बजे मॉक पोलिंग होगी जो कि एजेंट्स के सामने होगी। पंचकुला डीसी ने तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है और तैयारियां है उसका जायजा लिया है। लगातार मीटिंगें चल रही है। इसके अलावा अगर पुलिस की बात करें तो पंचकुला पुलिस की जो पुलिस उपायुक्त है हिमाद्री कौशिक, उन्होंने खुद भी जाकर हर बूथ पर जायजा लिया है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और पंचकुला में धारा 144 भी लागू कर दी गई है इन चुनाव को लेकर, यानी 5 या 5 से अधिक लोग कहीं भी एकत्रित नहीं हो सकते और इसके अलावा किसी भी तरह के हथियार को लेकर नहीं चल सकते। हालांकि पोलिंग स्टेशन पर भीड़ मतदाताओं की जरूर रहेगी जो कि नियंत्रित तरीके से देखी जाएगी। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी दिखाएं, इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं। ये पंचकुला के सेक्टर 21 का एक पोलिंग स्टेशन है। इस तरह से तमाम जो पोलिंग स्टेशन पंचकुला विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, 206 पोलिंग स्टेशन, उन पर मतदान होगा 25 मई को। और अंबाला लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों से खड़े हुए हैं, उनका भविष्य का चुनाव होगा, उनकी किस्मत का चुनाव होगा। मत पेटियों में और ईवीएम मशीन में उनका जो मत है, लोगों द्वारा जो मत दिया जाएगा, उनकी किस्मत का फैसला उसमें रखा जाएगा। आपको बता दें इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि पंचकुला उपायुक्त भी है, डॉक्टर यश गर्ग ने साफ किया कि चुनाव ड्यूटी में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इसके साथ साथ जिले में स्कूलों में 24 यानी आज और 25 मई की छुट्टी के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ईवीएम वीवीपैट तथा मतदान किट आज बांटी गई हैं और सभी जितने भी एजेंट हैं अलग अलग पार्टियों के, उनके सामने जो मॉक पोलिंग है वो भी करवाई जाएगी ताकि किसी को कोई शक शुबा ना रहे। आपको बता दें कि इस चुनाव पर सबकी नजर बनी हुई है क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव है, इससे सांसद चुने जाएंगे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, तो देश के लिए बेहद अहम है ये चुनाव। पंचकुला से मैं सहयोगी अक्षय के साथ जनता टीवी के लिए उमंग शरान। वहीं आपको बता दें कि पानीपत में भी मतदान की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसी कड़ी में जनता टीवी की टीम ने पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत के साथ खास बातचीत की। देखिए संवाददाता अनिल कुमार की ये रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हमारे साथ अभी मौजूद है पानीपत के पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत जी, उनसे ही बातचीत करेंगे जो किस तरह के दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं पुलिस को। देखिए, जैसे आपको पता है, देखिए आपको पता है कि चुनाव का माहौल है, अभी कल वोटिंग होनी है, तो हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है। पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, उन सबको हमने ब्रीफ किया है, बूथ पे सवारी ड्यूटियां लग चुकी है, बाहर से पैरामिलिट्री की फोर्सेस भी आ चुकी है, तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स है, हमारी मुस्तैद तरीके से हमारी ड्यूटी करने की प्रवृत्ति रही है और आगे भी करते रहेंगे। और हमारा ये अपील है कि पीसफुल वोट हो और किसी भी तरह के व्यवधान के बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के वोटिंग पानीपत में संपन्न कराई जाए। कितने केंद्र बनाए गए हैं? देखिए, 876 पोलिंग बूथ हैं यहाँ पे और 449 है वो लोकेशंस हैं, 449 लोकेशन है और सभी गांव में, बूथों में, हर जगह वोट बने हुए हैं। और इसमें से हमने कुछ बूथों को ऐसा माना है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहती है, तो वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री के जवान, हाफ सेक्शन है, 4 से 5 मुलाजिम हथियारों के साथ में वहाँ पे उन बूथ पे वो भी रोक रहेंगे। इस तरह से ये तो बूथों की है। उसके अलावा हमारे पास पेट्रोलिंग पार्टियां हैं, तो 40 पेट्रोलिंग पार्टियां हैं जो 10 से 12 मिनट के अंदर कोई भी समस्या होने पे उस बूथ पे पहुंच सकती है। उसके अलावा हमारे डीएसपी की भी ड्यूटियां लगी हुई है, उनके पास भी फोर्स है, हमारे पास रिजर्व फोर्स है, कंपनी है, नाके हमारे जो सील बॉर्डर है उसको हमने सील किया हुआ है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जैसे शराब नहीं बिकने देने के जैसे आदेश हैं चुनाव आयोग के, उनको हम एनफोर्स कराने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। सर, चुनाव है, जिस तरह से जो सेंसिटिव जो बूथ रहते हैं, संवेदनशील, अति संवेदनशील, कितने ऐसे बूथ हैं चिन्हित किए गए हैं, उन पर किस तरह की तैयारी रही? देखो, आजकल चुनाव आयोग ने इनको सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव कहना बंद कर दिया, इनको अब क्रिटिकल बूथ बोलते हैं। हमारे टोटल अभी 56 लोकेशंस, 56 ऐसी जगह हैं जिनको हमने क्रिटिकल माना है और 151 ऐसे बूथ हैं, तो उन सब पे हमने एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री की फोर्स लगाई है जो हथियारों के साथ रहेगी और वहाँ पे पूरे टाइम वहीं पे उसी बूथ पे लगा के चुनाव संपन्न कराने में सहायक रहेगी। परंतु हमारी तरफ से ऐसे पिछले 10 सालों में जो इलेक्शन हुए हैं इसमें ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हुई है, यहाँ बड़े शांतिपूर्वक चुनाव रहे हैं और इस बार भी बिल्कुल शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और फेयर तरीके से चुनाव होंगे। चुनाव के दौरान किस तरह की हुड़दंगबाजी या इस तरह का कोई वाकया सामने आता है तो कोई हेल्पलाइन नंबर या पुलिस को किस तरह संपर्क? देखो, किसी भी तरह की शिकायत हो तो डायल 112 पे, क्योंकि आजकल डायल 100 भी डायल 112 पे इंटीग्रेट हो चुका है, तो डायल 112 पे कॉल करो, वो हमारे कंट्रोल रूम में आती है। कंट्रोल रूम इसको पेट्रोलिंग पार्टियों को भी बताएगा, ERV को भी बताएगा, SHO को भी बताएगा, हमें भी बताता है, तो डायल 112 एक सबसे सरल तरीका है इसमें आपको करवाने का। उसके अलावा हमारे फोन नंबर, DSPs के, SHOs के नंबर भी आप सब लोग के पास अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, इवन थानों के बाहर भी लिखे हुए हैं, तो वो नंबर भी हम वहाँ पे बूथ के ऊपर भी चिपका देंगे। यदि किसी को ऐसी समस्या है तो उन पे कॉल कर सकता है और हमें सूचना दे सकता है, 10 से 15 मिनट में हमारी फोर्स वहाँ पे आ जाएगी। सर, मान लें कि जिस तरह से पुलिस द्वारा सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं तो आई होप कि शांतिपूर्ण ही रहने वाले? शांतिपूर्वक रहने पड़ा, लोग आजकल बड़े समझदार हैं, इनको पता है कि वायलेंस करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि बाद में भुगतना भी पूरा पड़ता है। एक बार तो जोश में जो कर देता है गलती, परंतु बाद में भुगतना पूरी जिंदगी भर भी पड़ता है, तो इसलिए है। तो मेरी तो एक ही सख्त हिदायत है जितने भी जो हुड़दंग करने वाले होते हैं कि वो अपना वोट करो चुपचाप और अपने घर पे बैठो, इलेक्शन के दिन बाहर निकलोगे हुड़दंगबाजी करोगे तो सख्ताई भी पूरी होगी। तो ये थे हमारे साथ पानीपत पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत, जिनका कहना है कि पूरी तरह से पुलिस की तैयारियां कर ली गई हैं और सभी पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी नियुक्त कर दी गई हैं, और जो भी किसी तरह की कोई हुड़दंगबाजी है, कोई भी कुछ करता है, तो डायल 112 के अलावा जो DSP हैं और भी जो पुलिस अधीक्षक है उनके पास सीधा संपर्क कर सकते हैं। पानीपत से जनता TV के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। उधर आपको बता दें कि अंबाला में भी चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, पोलिंग पार्टियों को EVM देकर रवाना कर दिया है। और वहीं सुरक्षा की बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्स भी अंबाला पुलिस के साथ तैनात रहेगी। संवाददाता राघव विज की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। छठे चरण के मतदान का बीती शाम प्रचार थम गया है, कल वोटिंग होनी है, पूरी तरह से तैयारियां जो है प्रशासन की कर ली गई हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, ARO द्वारा दिशा निर्देश जो हैं पोलिंग पार्टीज को दिए जा रहे हैं, आज उन्हें EVM मशीनें जो हैं उन्हें सौंप दी जाएंगी। जो भी किसी तरह की एहतियात बरती है उसको लेके जो है प्रॉपर ARO द्वारा गाइडलाइन दी जा रही है। और अगर गर्मी की बात करें, गर्मी के चलते विशेष जो तरीके से जो कल पानी का और लस्सी का प्रबंध किया गया है। सुरक्षा की अगर बात करें तो अम्बाला
हरियाणा पुलिस के साथ साथ हिमाचल से होमगार्ड के जवान मंगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई सुरक्षा में कोई किसी तरह की चूक ना हो। एआरओ का कहना है कि पूरी तरीके से जो है तैयारियां कर ली गई हैं किसी भी प्रकार से पोलिंग पार्टीज को और जो यहाँ पर मतदाता आने वाले हैं उन्हें भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। राघव विज अम्बाला से जनता टीवी। वहीं आपको बता दें कि इस बीच जनता टीवी की टीम यमुनानगर पहुंची, जहां पर जनता टीवी की टीम ने चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। संवाददाता सर्वजीत बावा की खास रिपोर्ट आप देखें। चुनाव सिर पर आ चुका है। लोकसभा का आम चुनाव 25 मई को हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर होने जा रहा है। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर के सडोरा, यमुनानगर और जगाधरी तीन विधानसभा क्षेत्र अम्बाला लोकसभा में आते हैं, जबकि रादौर कुरुक्षेत्र लोकसभा में आता है। यमुनानगर जिले की बात करें तो चारों विधानसभा में लगभग 9 लाख वोटर जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 963 के करीब बूथ बनाए गए हैं और 610 लोकेशन पर ये जो है बूथ बनाए गए हैं, और इन बूथों में 158 ऐसे बूथ हैं जो संवेदनशील है और 72 बूथ जो है अति संवेदनशील है। इन बूथों के ऊपर 2700 के करीब पुलिस कर्मचारियों और होमगार्ड के कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, और जो अति संवेदनशील बूथ या संवेदनशील बूथ हैं उनके ऊपर सीआरपी की ड्यूटियां जो है नियुक्त की गई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और ईवीएम मशीनें और वीवीपैट मशीनें जो है वो वितरित की जा रही है ताकि सभी बूथों पर समय पर जो है कर्मचारी पहुंच जाए और इस जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको जो है सही समय पर जो है पूरा किया जा सके। इनके पास जो है ईवीएम मशीनों के साथ साथ वीवीपैट और जो भी चुनाव करवाने के लिए सामग्री है वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से जिन जिन लोगों की ड्यूटियां लगी हैं फाइनल रिजल्ट के बाद उनको जो है मशीनें वितरित की जा रही हैं। मशीनें वितरण के बाद जो है इनका मुख्य कारण रहेगा कि पहले मशीनों को जो है यहीं पर चेक कर लिया जाए, और इन मशीनों को चेक करने के बाद जो है जिन जहां जहां इनकी ड्यूटियां लगी हैं वहां वहां कर्मचारी जाएंगे और उन बूथों पर जाकर चुनाव प्रक्रिया को कल 25 तारीख को संपन्न करवाएंगे। यमुनानगर से जनता टीवी के लिए सरवजीत पावा। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी प्रदेशवासियों से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने जहां मतदान को लोगों का अधिकार बताया तो वहीं मजबूत लोकतंत्र की स्थापना में प्रदेशवासी को जिम्मेदारी भी ठहराया। मतदान जहां हमारा अधिकार है वहीं हमारा कर्तव्य भी है, और मैं समझता हूं कि इस कर्तव्य के प्रति हमें सबकी गंभीर होना जरूरी है। हमें अपनी मनपसंद सरकार चुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए, मतदान पर केंद्र पर जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए। मेरी सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, पुरुषों से, सभी से मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और अपनी मनपसंद सरकार का चुनाव करें। वहीं 25 मई को हरियाणा में मतदान होने वाले हैं और चुनावी प्रचार का शोर भी थमा हुआ है। ऐसे में अब नेता अलग अलग मंदिरों और गुरुद्वारों में मत्था टेक रहे हैं, और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के बजुदा रोड़ान गांव में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा अलकनाथ जी की समाधि पर मत्था टेका। इसके साथ ही उन्होंने शिव मंदिर में भी मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो अपने आप में पवित्रता का स्थल होते हैं। मैंने बाबा लकड़नाथ की जी का आशीर्वाद लिया और वहां बाबा धर्मनाथ जी ने मुझे विजय भव भी कहा। ऐसे स्थान होते हैं जो अपने आप में पवित्रता का एक स्थल होते हैं। यहाँ जो हमारी जानकारी है, बाबा लकड़नाथ जी ने वर्षों पहले जब ये इलाका जंगलों का इलाका होता था उस समय तपस्या की, घोर तपस्या, और एक प्रकार की ऐसी तपस्या इन्होंने की कि आसपास के लोग अपनी मनोकामना को मनवाने के लिए यहाँ आने लगे, और वास्तव में उनकी सिद्धि इतनी थी कि लोगों की मनोकामना पूरी होती रही। और मुझे भी जब भ्रमण करते हुए जानकारी मिली कि यहाँ बजीदा जाटान में इस प्रकार का ये आश्रम है, बजीदा रोड़ान में इस प्रकार का ये आश्रम है, तो मैंने अपने मन में संकल्प किया कि मैं पहले नहीं तो जो आखिरी दिन चुनाव से पहले का दिन है, आज चूंकि प्रचार अभियान उस प्रकार का नहीं है तो आज तो केवल टिकट मिलने जुलने का ही कर्तव्य है, उसी नाते से मैं आज आकर के और आशीर्वाद लिया है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर मतदान शांतिपूर्वक हो इसके लिए अब यमुनानगर जिला पुलिस ने भी तैयारियां खड़ी कर ली हैं। यमुनानगर जिले में 72 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, जिन पर अब पुलिस की विशेष नजर तो रखी भी जाएगी। साथ ही इन पोलिंग बूथ्स पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जिले में 44 पेट्रोलिंग पुलिस पार्टी बनाई गई है। इसके साथ साथ डीएसपी लेवल के अधिकारी और क्षेत्रों के थाना प्रभारी अपने अपने इलाकों में चुनाव कमान संभालेंगे। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर 2700 पुलिस कर्मचारियों और होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई है, जो कि मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा 25 मई शाम 6 बजे तक जिले के सभी शराब ठेके पूर्ण रूप से बंद रहेंगे और मतदान केंद्रों के 100 मीटर के एरिया में मोबाइल पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अलग अलग नाकों में तलाशी के दौरान करीब 1.5 करोड़ की ड्रग्स और अवैध नकदी जब्त की गई है और 200 लोगों को भगोड़ा घोषित के तहत गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, 375 लोगों को चुनाव में खलल डालने की आशंका के रूप में गिरफ्तार किया गया है। जिथे 25 मई को हमारे यहां पर लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसके मद्देनजर चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो, इसके लिए जिला पुलिस के द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कुल मिला के 2700 के आसपास पुलिस कर्मचारी, होमगार्ड के जवान इस सारी व्यवस्था के दौरान तैनात रहेंगे। सभी पुलिस कर्मचारी जो जहां जहां तैनात रहेंगे, वहीं पे ही उनके खाने की व्यवस्था पुलिस के द्वारा ही की जा रही है, और साथ ही जो हमारे जितने भी बाहर से जो फोर्स आई हुई है, उसके रुकने का इंतजाम भी जिला पुलिस के द्वारा ही अपने स्तर पर किया गया है, ताकि जो भी मुलाजिम है उनके वेलफेयर का हमने पूरा ध्यान रखा है, ताकि वो ड्यूटी अपनी निश्चिंत होकर के कर सकें। इसके अलावा जिला पुलिस के द्वारा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हैं तो 40 पेट्रोलिंग पार्टीज भी बनाई गई है, और साथ ही डीएसपी साहिबान और एसएचओ साहिबान अपने अपने एरिया में तैनात रहेंगे। तो प्रदेश में 25 मई यानी कि कल चुनाव होंगे, और ऐसे में अब मतदाताओं के लिए सोनीपत में खास व्यवस्थाएं की गई हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में आपको बता दें कि 1845 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। वहीं मतदान को लेकर पोलिंग बूथों को अच्छे से सजाया गया है और मूर्तल अड्डे के सरकारी स्कूल्स में मुख्य गेट पर सेल्फी प्वाइंट्स भी बनाए गए हैं। हमारे स्कूल में 5 बूथ बनाए गए हैं और प्रत्येक बूथ को बड़े अच्छे से हमारे स्टाफ ने डेकोरेट किया है, और हमने एक वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी पेरेंट्स मीटिंग रखी थी और बच्चों को बताया गया था कि आप अपने पेरेंट्स को लेके आए, और बेटा जब भी आप इतने समझदार बच्चे हैं, 8वीं के बाद बच्चा अच्छा समझ जाता है, तो कहा कि अपने जो 18 साल से ऊपर बच्चा है वो भी वोट का प्रयोग करे, और एक वोट फॉर बेटर इंडिया हमने भरसक प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और एक अच्छी सरकार चुनकर आए। अच्छी सरकार तभी चुनी जाएगी जब लोग बढ़ चढ़ कर इसमें मतदान में हिस्सा लेंगे। हमारे यहाँ 5 बूथ बने हैं, 50 से लेकर 54 तक, हर बूथ की थीम अलग है, उसको अलग से डेकोरेट किया गया है। सारी यहाँ पर सुविधाएँ हैं, व्हील चेयर की भी है, गवर्नमेंट की तरफ से वेब कैमराज भी लगाए गए हैं। उधर आपको बता दें कि 25 मई यानी कि कल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे, और जिसे लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कुरुक्षेत्र जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुरुवार को पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने जिले भर में फ्लैग मार्च निकाला। जिले के अलग अलग थाना एरिया में पुलिस की टीमों का फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न गलियों और मार्गों से होकर गुजरा। पुलिस ने लोगों को बिना किसी डर भय के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पुलिस टीम यहां पर प्रेरित किया। जनता से अपील की गई है कि वे चुनाव के समय किसी भी असामाजिक तत्व के बहकावे में न आकर किसी प्रकार के लालच देने वालों की सूचना तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस कंट्रोल रूम में दें। आने वाले जो लोकसभा के चुनाव जो है 25 तारीख को संपन्न होने हैं, और इसके लिए जिला पुलिस कुरुक्षेत्र द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। जो सुरक्षा के इंतजाम है, जो सिक्योरिटी नॉर्म्स के मुताबिक पूरी तैयारी कर ली गई है। सफिशिएंट फोर्स जो डिस्ट्रिक्ट की, हरियाणा आर्म पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो यहाँ रिपोर्ट कर गई हैं। तो मेरी आप सभी से अपील है कि अपने मत का प्रयोग करें। पूरे जिले में सुरक्षा का चौक चौबंद प्रबंध किया गया है।
उधर आपको बता दें कि कैथल में भी सुरक्षा बलों की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। एसपी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को भयमुक्त वातावरण में, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में करवाने के लिए आम जनता को ज्यादा संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने बताया कि फ्लैग मार्च के दौरान जनता को संदेश दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था और शांति भंग करने की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही उन्हें जागरूक किया गया है कि वे झूठी अफवाहों पर ध्यान ना दें, निर्भीक होकर अपना मतदान करें। तो 25 मई को आपको बता दें कि मतदान शांतिपूर्वक हो, इसके लिए अब यमुनानगर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव अधिकारी घर घर जाकर वोट देने की अपील वाले आमंत्रण और निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। चुनाव आयोग की इस पहल का मतदाताओं ने भी जोरदार स्वागत किया है और मतदाताओं ने आश्वासन दिया है कि वे अवश्य मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करेंगे। से वोट पा रही हूँ, तुम्हारे को लोकसभा से पहली बार लोकसभा से चुनाव से पत्र आया है, बस हम 25 को हम वोट डाले हैं, जरूर जाएंगे। हाँ, अपना कीमती वोट कभी खराब नहीं करना चाहिए, जरूर डालेंगे। हाँ। माय देवेंद्र कुमार नरोला, मेरा नाम देवेंद्र कुमार नरोला है और जब से मेरी वोट बनी है तब मैं वोट डाल के आया हूँ। ये पहली बार चुनाव हुई उसकी तरफ से हमें इन्विटेशन कार्ड दिया जा रहा है कि अब वोट डालना जरूर आना, और इस वोट कार्ड डालने का समय सुबह 7 से लेकर शाम के 6 बजे तक है।